हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर के रसोई में। मैं रेखा। आज जैसा कि मकर संक्रांति का दिन है, गुरुवार का दिन भी है और इस दिन का सालों से इंतजार होता है क्योंकि ये बहुत ही खास दिन है। और आज बनेगा खिचड़ी, ये उड़द के दाल का खिचड़ी है। तो हम दिखाएंगे आपको कि कैसे हम बना रहे हैं। और आज के दिन में तिल और गुड़ के पट्टी का भी होता है यूज। एक मिनट, ये देखिए, ये रामदाना और गुड़ का है, ये लाई और गुड़ का है, ये तिल है और एक और बादाम और गुड़ का पट्टी। तो आज के दिन में दही और चूड़ा भी लोग खाते हैं और दान पुण्य किया जाता है, गंगा नहाया जाता है। जैसा कि आज बहुत ज़्यादा ठंडा है तो हम लोग गंगा जी नहीं जा पाए हैं, तो घर पे ही गंगा माँ का नाम लेके नहा लिए हैं। बाकी सारा कुछ बनाएंगे, फिर हम दिखाएंगे कि आपको क्या क्या बना है। खिचड़ी ज़्यादा बन रहा है इसलिए कि हर कुछ लोग आने वाले हैं, जैसे कि गुरु जी को बुलाएंगे और भी एक दो लोग हैं जो आएंगे। आज के दिन खाते हैं हमेशा से, ये ऐसा नया नहीं है, हमेशा से उनको पसंद है यहाँ का खाना, तो आके खाना खाते हैं। इसलिए बैगुना दिखा रहे हैं, कितने बड़े बैगुने में बनने वाला है, तो देखते हैं इसमें किस तरह से छोंक छाक करके खिचड़ी बना रहे हैं। थोड़ी देर में देखिए, खिचड़ी को सबसे पहले वाला तड़का देंगे। उसके लिए हम एक कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं और साइड में एक बैगना है जिसमें जो बड़ा बैगना हम दिखाए थे उसमें पानी हम पहले से चढ़ा के रख दिए हैं। अब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे जीरा अच्छे से, अच्छे क्वांटिटी में, क्योंकि सामान ज़्यादा है, खिचड़ी ज़्यादा है, तो जीरा और छौंकन सब कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी पूरी तरह से टेस्ट आएगा। और 4-5 तेज पत्ता, और इसमें हम डालेंगे 2-3 लाल मिर्च सूखा हुआ तोड़ के, आँच को धीमा कर देंगे। जीरा अच्छे से हो गया है एकदम। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और मिर्ची का पेस्ट, जो हम एक साथ बना के रख लिए हैं, जो हमें 2-3 चीज़ बनाना है तो हम उस सब में यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, और आप जितना क्वांटिटी में दाल चावल का खिचड़ी बनाते होंगे, आप हर चीज़ अपने हिसाब से डालिएगा। हमारा ज़्यादा है आज का, तो हम ज़्यादा करके डाल रहे हैं। अच्छे से अदरक और मिर्ची को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें हरे मटर का दाना। हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, अगर आप चाहें मटर नहीं पसंद करते हो तो आप बिना मटर के बनाएं। कुछ लोग इसमें आलू भी मिला देते हैं, ये अपने पसंद के ऊपर है। कुछ लोग हल्दी भी डालते हैं, टमाटर डालते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम मटर के हिसाब से नहीं, खिचड़ी के हिसाब से डालेंगे। से मटर को फिर थोड़ी देर भून लेंगे। मटर अच्छे से हो गया है, इसको पूरा नहीं पकाएंगे, हम थोड़ा सा बस भून लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे दाल और चावल। ये उड़द का दाल है और नया वाला चावल, जो इस सीजन में नया चावल का कटाई होता है वो है। सबको हम सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स करने के बाद जो हम बैगुने में पानी चढ़ा के रखे हैं, साथ साथ पानी भी गर्म हो रहा है, जैसे ही पानी उबाल आएगा हम उसमें ये सारा कुछ जो मिक्स किए हैं कढ़ाई में मिला देंगे। हींग हम अभी नहीं डाले हैं, हींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें डालना,
क्योंकि उड़द का दाल है ये काफ़ी लोगों को सूट नहीं करता है, तो हींग बहुत ज़रूरी है डालना। थोड़ी देर इसको हम ढक देंगे। पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है, दाल चावल को भी हम थोड़ा सा फ्राई भून लिए हैं। अब हम इसको डालेंगे गर्म पानी में। गरम तो है कढ़ाई बहुत, लेकिन इतना ठंडा है कि हाथ में कुछ पता ही नहीं लग रहा। अच्छे से चला के हम इसको एक अच्छा उबाल आने तक के लिए ढक देंगे। इसमें नमक भी पड़ा हुआ है और इसमें हम हींग डाल दें थोड़ा। ये हींग को हम पानी में लिक्विड की तरह बना दिए, देखिए इससे बहुत समय तक इसमें हींग का खुशबू रहेगा। हम इसको ढक देंगे अच्छा उबाल आने तक के लिए। दिख नहीं रहा पूरा एकदम। अब टाइम है हम इसको अच्छे से गलने तक के लिए अब फिर से ढक दे रहे। पानी उनी भी पर्याप्त है इसमें, अब नहीं चाहिए। अगर बाई चांस ये सूख जाएगा और आपको थोड़ा पतला चाहिए खिचड़ी, तो आप गर्म पानी करके इसमें डाल सकते हैं, और वैसे इस खिचड़ी को सूखा ही खाया जाता है। अब एक बार हम इसको फिर से चेक करेंगे। खिचड़ी एकदम बढ़िया बन के तैयार हो गया है। ये देखिए चावल भी पूरी तरह से गल गया है और मटर भी गल गया, दाल भी अच्छे से पक गया है। तो इसको तैयार करने में करीब हमारा आधा घंटा के लगभग लग गया है। ये बैगने में हम बनाए हैं, इसलिए अगर आप कुकर में बनाएंगे तो दो सीटी में ही बन जाएगा। गैस को हम बंद कर दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। खिचड़ी घुगनी और चोखा बनके एकदम तैयार है। हम पापड़ फ्राई करके सबसे पहले भोग का तैयारी करेंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद बाकी लोग भोजन करेंगे। पतंग, बहुत सारा पतंग उड़ रहा है, बच्चे सब फुल मस्ती एंजॉय कर रहे हैं। छत पे दौड़ लगा रही है।